तारीख पे तारीख हो रही है सर, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं नहीं तारीख पे तारीख नहीं, देखो हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल और विधिक पहलू होता है। नोटिस भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नोटिस ये शो करता है कि आपने किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले पर्याप्त सुनवाई का अवसर उसको दिया है। तो नोटिस कोई ऐसी हल्की चीज़ नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि तारीख पे तारीख, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमें कार्रवाई करनी है वो तो निश्चित रूप से संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध तो होगी होगी, यहाँ तक कि विधिक कार्रवाई में अगर ये लोग आसानी से अपने विद्यालयों को इस प्रकार से बंद नहीं कर रहे हैं तो इनके विरुद्ध हम नज़दीकी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करेंगे। सर आपको क्या लगता है कि जो मतलब आपके इतनी बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी विद्यालय संपूर्ण रूप से संचालित हैं, तो ये आसानी से मानने वाले हैं प्रबंधक? देखो मानने न मानने की बात नहीं, जब विधिक कार्रवाई होती है तो मानना पड़ता है ना। हम किसी की क्षमताओं पर थोड़ी वो कर रहे हैं कि कौन मानने वाला है कौन मानने वाला नहीं है। जब किसी के विरुद्ध कार्रवाई होगी तो फिर मानना पड़ेगा। अच्छा सर, ये तो रही विद्यालय को चालू और बंद रखने की कंडीशन, और बात करें जैसे कि मान्यता है कि आठवें तक की नहीं है, और आप जब मौके पर पहुंचे तो आपने भी देखा कि कक्षा 10 तक के तमाम ऐसे प्रमाण मिले जो कि विद्यालय जिससे साबित होता है विद्यालय संचालित है। इसमें कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, चाहे यहाँ से सही या इनके माध्यम से कहीं बाहर से सही। बड़ा सवाल सर ये, बच्चों के भविष्य खिलवाड़ कर रहा है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेन तो हम ये भी जानना चाहेंगे ना कि जहाँ पर वो कक्षा 10 के बच्चे जो आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को कौन ऐसा स्कूल है कि जो इसको टेक अप करता है और उनको सर्टिफाई करता है। सर ये भी बड़ा मुद्दा है, तो इसको भी हम देख रहे हैं। उसी दिन हम जब बात कर रहे थे तो कोई गदरपुर में कोई विद्यालय है कि वो बताते हैं कि वो सर्टिफाई करता है कि हाँ हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उनकी भी हम जानकारी ले रहे हैं। अगर वो विद्यालय ऐसा करता है तो उससे बड़ा क्राइम है वो। भाई देखो पहले तो गलत चीज़ ये है कि आप अमान्य विद्यालय चल रहे हैं, दूसरी चीज़ आप ऐसा विद्यालय, ऐसा बच्चा जो आपके यहाँ पढ़ता ही नहीं है उसको आप अपने यहाँ दिखा रहे हैं जबकि पढ़ता वो कहीं और जगह है, चाहे वो मान्यता प्राप्त है या अमान्य है, तो ये ज़्यादा बड़ा आपराधिक कृत्य है उस विद्यालय का। तो हम उसके बारे में भी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी भी छानबीन करके पता चल जाए कि उसके यहाँ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। हालांकि जो सबूत मिले हैं उसके अनुसार तो ये है कि वो बच्चा किसी दूसरे स्कूल में एनरोल्ड है जो मान्यता प्राप्त है। सर अमन केसरी के माध्यम से सर प्रथम जो खबर चलाई गई थी उसमें बच्चे ने दूसरे विद्यालय का साफ साफ नाम जो है शो किया है। हाँ दे रहा है, मैं मना कब कर रहा हूँ कि आप दिया नहीं है, इसीलिए तो उसको आज हम जिस स्कूल का किसी वो जो प्रबंधक है सो कॉल्ड प्रबंधक उसने नाम लिया था तो हम उससे बुला रखा है आज कि वो बताएगा हमको कि तुम्हारे विद्यालय में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं।